कोणार्क अपना शहर अपनी बात। विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है, आप सभी जानते हैं, और जिस तरीके से उल्लासनगर में शहर में जो माहौल है टिकट के बंटवारे को लेकर या फिर उम्मीदवारी को लेकर, तो लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब जो है सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो शहर में इस प्रकार से आ रही है, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि रात में जो कि ये खबर थी कि भाजपा से जो है उम्मीदवारी 141 विधानसभा की कुमार ऐलानी को जा चुकी है, तो वहीं पर जो निर्णय लिया था जब हमने संपर्क किया था ओमी कालानी से, तो ये बात स्पष्ट हो रही थी कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे न अपक्ष लड़ेंगे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एनसीपी से जो है शिरकत करेंगे ओमी कालानी, जो कि सभी सोशल मीडिया में ये सब बातचीत चल रही है, तो इसी के बारे में खुलासा करते हैं और जानते हैं कि ये जो बात हो रही है ये किस प्रकार से जो है अस्तित्व में है और हकीकत में है। जिस तरीके से कल जो कि भाजपा की तरीके से जो कि आपको भी आश्वासन दिए गए थे कि जो टिकट है आपके पास होगी पंचम कालानी को दी जाएगी, मेयर भी हैं वो, लेकिन कल रात को जो है फैसले ने सभी को जो है चौंका दिया। कुमार ऐलानी के पास टिकट चली गई, वहीं पे जो है आपसे भी बातचीत करने के बाद ये पता चला कि अब जो है आप इंडिपेंडेंट लेंगे। लेकिन आज सुबह ही जो कि दिन के समय में जो कि बातें आने लगी कि एनसीपी से अब जो है आप कंटेस्ट करेंगे, तो इसके बारे में पूरा खुलासा जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे शहर के लोगों का कालानी परिवार के प्रति जो प्यार है वो किसी पार्टी के प्रति नहीं है, और आज तक जो भी कालानी परिवार चुनकर आए हैं, कांग्रेस पे भी आए हैं, हम यूपीपी पार्टी पे भी आए हैं, तालाशाही निशानी पे से इंडिपेंडेंट पे भी आए हैं और एनसी पे भी आए हैं, तो आज तक लोगों ने कालानी परिवार को चुनने के लिए कभी भी पार्टी नहीं देखा है। बट हाँ, जहाँ तक टीओके और बीजेपी का जो अलायंस था, हमारे अलायंस के दौरान ही ये एक डील हुआ था हम लोगों का कि जो आमदार टिकट है वो कालानी परिवार को दिया जाएगा, क्योंकि सिटिंग आमदार कालानी परिवार का है। हमें काफ़ी सारे शिवसेना की तरफ से भी हमको अप्रोच था कि अगर सिटिंग आमदार शिवसेना में ज्वाइन कर ले तो सीट शेयरिंग में वो ऑटोमेटिकली सेना में चला जाता है, बट हमको रोका गया था ये बोल के कि कालानी परिवार में ही टिकट है, और ये एकदम धोखा देने वाली बात है, और धोखा दिया है उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक एनसीपी पार्टी का सवाल है, तो कल ही रात में जैसे ही बीजेपी की दूसरी यादी आई जिसमें कुमार ऐलानी जी को कैंडिडेटर दिया गया, तो वो यादी आने के बाद पवार साहब का मेरी मम्मी को फ़ोन आया और उनका बोलना था कि भाई आपने एनसीपी नहीं छोड़ना चाहिए और हम अभी भी आपके साथ में हैं और आप अभी भी अपना कैंडिडेचर एनसीपी से करो। तो उन्होंने आज एनसीपी का फॉर्म भरा है, एबी फॉर्म भी आ चुका है, और उसमें अल्टरनेट जो फॉर्म रहेगा वो मेरा रहेगा, तो हम दोनों में से कोई एक ही आमदार इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि संभावना ये हो सकती है या तो आप लड़ सकते हैं चुनावी मैदान में, या तो फिर ज्योति कालानी जी है वो जो है इस चुनाव में दिखाई दे। ज्योति कालानी जी का ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं वो आज, और कल मैं वहाँ शक्ति प्रदर्शन के साथ में मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से ये भी देखने को मिला जब राजीनामा दिया गया था ज्योति कालानी जी द्वारा एनसीपी में, उनका कहना था कि पार्टी से उन्हें कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं है क्योंकि पार्टी के लिए वो हमेशा से कार्य करते रहे और पार्टी भी जो है उनको अच्छी छवि से देखते हैं। वहीं पर यह देखने को मिला कि सडनली प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी गई, नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया और फिर जो है भरत गंगोत्री का नाम सामने आने लगा कि वो उम्मीदवारी पर उतरेंगे, उनकी अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, तो इस विषय पर क्या राय है आपकी? देखिए, इस विषय पे तो आप शरद पवार साहब से पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हमें जितना फ़ोन आया, जितना आदेश दिया गया, उतना हमने आदेश का पालन किया। इस चुनाव के बाद जो कि भाजपा के साथ जो कि बातचीत हुई थी, तो वो असर यूएमसी में देखने को मिलेगा इलेक्शन के बाद, क्योंकि ये बड़ी जो है चीज़ सामने आई है जिस तरीके से वादे किए, वादे के बाद जो कि वादों को तोड़ देना। उन्होंने अपना महापौर बिठाया था और अगर इस तरह से धोखा दिया जाएगा तो कोई भी मतलब आगे सोच समझ के हमको कदम लेना पड़ेगा। ये थे ओमी कालानी जी, जिनका कहना ये है कि जिस तरीके से जो कि बदलाव देखने को मिले लगातार विधानसभा चुनाव के चलते, बातें जो हो रही थी कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, लेकिन अब ये स्पष्ट कर रहे हैं ये कि जो है ज्योति कालानी जी जो है एनसीपी से उतर सकती है या फिर खुद जो है ओमी कालानी एनसीपी से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर सकती है। तो बहरहाल जिस तरीके से जो कि राजनीतिक गरमाई है, इसे आम चुनाव नहीं समझिएगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये अस्तित्व की लड़ाई है और इस चुनाव के परिणाम के बाद ये भी स्पष्ट होगा कि आखिरकार राजनीति सफर में किसके विराम चिन्ह लगेगा। कोणार्क अपना शहर अपनी बात।